दिन गिणती सीखदा मैं, देखियो वीर सही होऊंगा, एक दो तीन चार पांच छे सात अठ नौ दस, ठीक है जी, ठीक है सर, पास हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। महाराज संबंध जानी माता पिता का वो इस तरह से गया, संत आदर सिंह जी महाराज रेणु साहब वाले वो रामपुर रहा करते, जो संत बाबा करम सिंह होती मरदान वाले उन्होंने उन्होंने संगत की फौज, बाबा करम सिंह भी फौज से, संत बाबा अतर सिंह पिंड इन्हों का लोपो से दराहे तो साढ़े रामपुर तो ही चार पांच मील ते आ। फिर जदों बाबा करम सिंह जी संगत की उदो फिर उन्होंने तो जाने बाबा अतर सिंह ने नाम की दात ली, उन्होंने संगत करके फिर उन्होंने अपना जीवन जरा सारी कमाई बहुत कमाई की। एक बार संत बाबा अतर सिंह बाबा अतर सिंह ने पूछया बाबा करम सिंह जी महाराज भी मैं कृपा करो मैं संगत की थोड़े को सेवा करनी है, अगे अदो भी मैं अस्तीफा दे दिया तो छोटे महाराज जी बचन सुनाया कर दे। तो बाबा करम सिंह ने कहा अतर सिंह पेंशन लैके जाना, जो पेंशन हो गई तो किसी के मूहे हाथ नहीं अड़ेगा, अपनी पेंशन तेरे जिंदगी बतीत होगी जिनी मर्जी बंदगी कर ली। ये फिर बाबा अतर सिंह ने भी किया सत वचन मारा साढ़े रामपुर पिंड के जाने वो बहुत फौज उन्होंने ना रहा करते, चलो इन्हों की पेंशन हुई संत बाबा अतर सिंह की, क्यों संसार का खात्म से मोह ममता खात्म से, साढ़े पिंड वाले ने ना इन्हों फिर उत्थे रामपुर प्रेम दे करके फिर उत्थे ले आते, तो इन्हें औलाद सी बच्चे सी इन्हां दे जी परिवार सीगा पिंड दे जायलदार सीगे पिंड दे विच। वो फिर संत बाबा अतर सिंह साढ़े पिंड जो रहे, संत बाबा अतर सिंह की जिहड़ी सेवा सीगी मेरा बाबा जी मंगल सिंह वह बाबा अतर सिंह के सेवक से उत्थे सेवा करते आके उन्होंने भी बहुत प्रेम सीगा पिंड का, जाने जिन्ने भी पिंड के सीगे सारे जिन्ने पिंड के लोग जो संत बाबा अतर सिंह जी कहते कोई जवाब नहीं सी उनका मोड़दा नहीं। जो बाबा अतर सिंह ने शरीर छड़िया उन्होंने एक रास्ता बनाया सी, उदो भी साढ़े कारखाने जी ना साढ़े कारखाने पलंग लाए डा के उन्होंने फिर सारा रास्ता तैयार कराया सी। इस करके साडा बाबा जी भी संत बाबा अतर सिंह संगत करते सी ते हुण सारा पता सी, ते बापू जी का हुण पता नहीं मैनूं उन्हां दी उम्र दा किन्ना क फर्क सीगा, जाने हुण उन्हां नूं सारा पता सीगा, बाबा जी भी साढ़े बापू जी उन्हां को गल करते रहिंदे सी, ते संत भगवान सिंह सी जिहड़े इन्हां दे संत बाबा अतर सिंह उन्होंने पहले विस्तार देते सी उत्थे, उन्हां नूं पता सी कि अभी इन्होंने आया काम करने आया ना। इस करके जो फिर साढ़े मेरे तो चार पहला बच्चे मर गए थे, जन्म लेंदे सी महीने दो महीने च मर जाते, जन्म लेंदे च मर जाते, चार पहला मरे। जो तो मेरा पंजवें का जन्म होया तो फिर जो देखा हूँ भी मर लग्या, क्यों उत्थे राणा साहब ना फिर संबंध सीगा, इधर भी भगवान सुना वो जाते पर उधर ज्यादा प्यार से, हाँ रामपुर ही रहते थे सारे। फिर उत्थे फिर राणा साहब जो लैके गए बापू जी फिर बचन दस सुनाया सुना होंगे सर, तो मैं थोड़ा पता थी मैं बड़ा छोटा सीगा, जो उत्थे गए उत्थे संत महाराज जी संत महाराज ईश्वर सिंह महाराज की कुर्सी लगी सी, तो बेहद संगत सी तुहानू भी पता ही है वैसे है, तो फिर जो कुर्सी लगी सी बापू जी होनी तो माता उन्होंने मैनू ले जा के संत महाराज के चरणा च पाता, वो पा के कहते महाराज सच्चे पातशाह चार पहला मर गए ये भी मर लग गया, ये थोनू चढ़ाता थोनू देता है थोड़ा ही कृपा करो ये बच जाए। बस बापू जी दसते कहते महाराज ने नेत्र जे बंद किए, अच्छा भाई चंगा भी जो साडा फिर साडा ही आडा नहीं ये साडे को रहू सारी जिंदगी संगत की सेवा करो, वो भी महीने दो महीने का हो मैं इन्ना नहीं पता बस बड़ा दौड़ा उदो जाने संत महाराज बड़े ये बचन किए कहते भाई हूँ सारी जिंदगी संगत की सेवा करो ये थोड़ा नहीं ये साडा तो फिर साडा ही आ। मेरा 51 का
मार्च का। महाराज जी मैं लगता पंजाब च अफरीका गए थे उदो बच्चे आए ने ना उदो की गल है तो आए थे उदो संत बाबा अतर सिंह की बरसी पे उदू बाद फिर मार्च का मेरा जन्म है ठीक है ना। फिर उदू बाद गए हो गए अफरीका यानी बापू जी वचन दस्या कर रहे। फिर जो महाराज ने वचन किए भाई हूँ ये मरता नहीं ठीक है पर यह साढ़े को रहू सारी जिंदगी संगत की सेवा करे। हूँ मैंने तो वचन महाराज बापू जी दसते थे बापू जी की मैमरी बड़ी थी। फिर बापू जी ने महाराज को बेनती की महाराज यहाँ नौ रख दौ नौ मेरा जो रखा नहीं सी तां फिर महाराज जी ने मेरा नौ पहला तो ही संत प्रताप सिंह नौ रखे। कहते भाई यदा नाम है संत प्रताप सिंह। बापू जी मैं दसते थे कहते संत महाराज ने वचन किए थे कहते भाई अज तक असी किसी का नौ संत प्रताप नहीं रखा ना रखना है महाराज वचन भी करे रखे भी नहीं। मैं भी किन्नी देर ना रहे हैं तुम भी देख लो किसी का संत प्रताप ये नहीं पी क्यों रखिया वो जानते संगत की सेवा करने वास्ते क्यों रखिया भी संतान का प्रताप है जहां संतान के प्रताप ना यह बचिया होंगे ही सारे संतान के नाल महिमा ही संतान की संत जो कर सकते या दे सकते संत ही दे सकते। खैर चलो ये जो वचन होए फिर महाराज बापू जी कहते महाराज यदा थोड़े को रहूगा तो फिर साढ़े को कौन रहू साड़ी सेवा कौन रहू। फिर महाराज ने बस है तो मैं कहते चंगा भाई जे चार मर गए वह आ जाएंगे वह थोड़े को रहने वो थोड़े से रहे गलों का करना सौखा है संतान की निंदा करनी तो सौखी है पर यह जो बचे एवं किए एवेंदार अच्छा जी मीडिया तो किमें संतान की निंदा कर यह जे महापुरशा की जिसे जिन्हें ज अपने जिमें महा महाराज की बाणी कह दी है जो कुछ करे सोई प्रभ मन है वो राम नाम रंग रखते जिनकी शोभा सामनी थाई जिन प्रभ के चरण प्राप्ते। ऐसे महापुरशा वास्ते महाराज ने बाणी लिखी है जो करते हैं तो परमेश्वर भी नहीं मोड़ता तो गल्ला कर रू बधेरे शेर ने परमेश्वर हाँ चलो उन्होंने भी भला करे वाहेगुरु वह भी चले आने ठीक है नहीं पर उन्होंने आप का हाल पता नहीं की होना निंदा करने वाले का। महाराज कहते संत शरण जो जन पर सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर बता कि वास्ते लिखिया महाराज की बाणी है। खैर चलो इस तरह फिर महाराज जी कहते जो कहते भाई चार आ जाएंगे तो वह थोड़े को ये बचन जानी महाराज ने किया।